इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, पर तृणमूल कांग्रेस एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अब नेशनल पार्टी नहीं रही। तो अब आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, इस बात से आपके नेता बेहद खुश हैं, पर यह जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं जिसे पूरा कर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। उन शर्तों को जानते हैं इस वीडियो में। अगर किसी दल को चार राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अगर किसी पार्टी का तीन राज्यों में मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीती जाती हो तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। अगर कोई पार्टी चार लोकसभा सीट के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में चार राज्यों में 6% वोट शेयर हासिल करती है तो उसे भी यह दर्जा दिया जा सकता है। अगर कोई पार्टी इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा कर देती है तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो ये थी एक नेशनल पार्टी बनने के लिए चार जरूरी शर्तें। अगर कोई पार्टी इन शर्तों को पूरी कर लेती है तो वो नेशनल पार्टी कही जा सकती है, और इन शर्तों को अगर कोई पार्टी पूरा ना कर पाए तो इलेक्शन कमीशन उस पार्टी से नेशनल पार्टी का दर्जा छीन सकता है, जैसा कि अभी फिलहाल देखने को मिला है जब टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई को अब इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टी की लिस्ट से बाहर कर दिया है।